लेके आ रहे हैं कथड़ी का। तो संजू भाई बिच्छू घास लेके आए हैं भाई, कहाँ से लेके हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? तो गाइस, आज ना हमारे उत्तराखंड देवभूमि का एक त्यौहार होता है कथड़किया। तो भाई अभी हम लोग कथड़किया बनाने के लिए जा रहे हैं। देखिए इस पे सामान है, दिखा भाई से। और ये है ना सुई, इतनी बड़ी सुई है भाई। तो आज बनाएंगे कथड़किया बोलते हैं जिसको, हमारे उत्तराखंड देवभूमि में त्यौहार बनता है ना कथड़किया। तो आज कथड़किया बनाएंगे हम ही, कथड़किया बनाएंगे। सभी गांव वाले भी होंगे और हम लोग गांव-गांव में हर सभी के घर में जाके बनाते हैं इसको। तो बने रहो वीडियो के साथ, अभी बनाते हैं, आप लोगों को दिखाते जाएंगे। तो देखो दो फौजी लोग दौड़ते हुए यहाँ से देखिएगा, आज यहाँ मंदिर के पास पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ पर बनाएंगे हम लोग कथड़किया। तो यहाँ पर गुन्नू भाई बनाने के लिए तैयार हैं। बनाओगे कथड़किया? तू भी बनाने को तैयार है क्या? ये हमारे बबलू, इसकी ये सर्जरी करेंगे हम, सर्जरी करने वाले हैं इस लकड़ी की। यहाँ पर लकड़ी मिली हमारे को, इसी की बनाते हैं सर्जरी आज। हमारा कंट है ये, उसका कच्चा बनियान इसी से बनता है, इसका कच्चा। ये देखिए गाइस, इधर टीवी तो दिखाई, इससे बनाएंगे बढ़िया वाला ब्लॉग। कथड़किया बनेगा आज भाई यहाँ पर। तो भाई चलो चलो शुरू करो फिर, जल्दी बनाओ भाई, जल्दी टाइम हो रखा है। तो गाइस अभी बनाते हैं, फिर उसके बाद इसमें ककड़ी भरेंगे, आप लोगों को फिर दिखाते हैं। इसमें इसमें ककड़ी होंगी पूरी फुल, खाने के लिए खीरे बोलते हैं जिसको। तो चलो बनाते हैं फिर, अभी शुरू करते हैं। जय हो माली, थोड़ी देर के लिए ब्रेक। तो गाइस देखिए यहाँ पर इतने सारे पिरोल आ चुके हैं अभी, तो तैयारी चल चुकी है। बबलू भाई तैयारी में लगे हुए हैं यहाँ बनाने के लिए कथड़किया में। देखिए अभी काम शुरू हो चुका है। तो गाइस देखिए यहाँ पर इतना तैयार हो चुका है, ये अतीश भाई ने पकड़ा हुआ है इसको। सामने से दिखाते हैं, इसकी सिलाई नज़र आ रही है अभी हमारे को। अभी ये थोड़ा रिपेयरिंग मांग रहा है, तो यहाँ पर लगे हुए हैं थोड़ा कसरत में, टाइम पास। चलो चलो बनाओ फिर। तो गाइस इसके अब बनाएंगे हम हाथ। अभी हमारे बबलू भाई लगे हुए हैं तत्ती बनोला मोड़ता है कदम। तो इस साइड से देखो, अभी इसके हाथ बनाएंगे यहाँ पर, फिर इसका सिर बनेगा। इस साइड से देखो इसको, ये वो जो बंद दे रहा है। चल ठीक है, अभी इसको बनाते हैं। तो इसको फिर मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद। इधर को बांधो इसको, बांध बांधो उसको जल्दी, उसकी खोपड़ी बना। हेलो गाइस, ये बन चुका है। इसका पेट देखो और इसके पैर देखो, ये है बाकी एक हड्डी देखा था। अभी इसकी चक्री गोल है। इसको बांधो गाइस, इसकी रिपेयर हो रही है अभी, रिपेयर मांग रहा है। अभी इसका गुद्दा बनेगा और ना कुछ कह दिया तुम। चलो तो चलो अभी इसकी मुंडी बनाते हैं, फिर इसके बाद दिखाते हैं आपको। चलो बाय बाय। तो गाइस देखिए बन चुका है यहाँ पर खतरनाक, इसके आंख देखो भाई। और हमारे पास यहाँ पर गुन्नू इसका सिपाही है, चौकीदार। तो गाइस हमारे पास काजल थोड़ा कम पड़ गया था ना, इसके काले नहीं हो पाए। हाँ काजल, काजल कम है बल इसके अभी आंखों में। गाइस अभी फेरम लवली ले। ओए 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 तोड़ना मत। तो देखिए गाइस घुमा दिया है इसने गुन्नू भाई ने। और ये देख सकते हैं गाइस, ये इसका नाड़ा तो बांध दे यार। गाइस ये देखो हमारा पुतला तैयार हो गया है, बोले मतलब तैयार हो चुका है। गाइस इसके एक हाथ की मसल से थोड़ा ज्यादा हो रही है, ये खांसी थोड़ा कम हो रही है, बीमारी है थोड़ा मोटा हो गया है, सूजन हो गया गाइस इसके एक हाथ में। इसका एक्सीडेंट हुआ था ना तब ये हाथ मोटा हो गया इसका यार, तो पट्टी टिक करवा। ये भाई कुछ बोले तो इधर भाई थोड़ा इसका डोला कम है। अरे भाई उल्टा क्यों दिखा रहे हो, उल्टा एक साइड का जिम लगाते हैं। अरे इधर है ये, इनकी पुच्छी है, इनने बहुत मेहनत से उगाई है, उखड़ गई देखो ये पुच्छी इनकी। तो गाइस देखिए अभी हमारा गुन्नू भाई लेके जा रहा है कथड़किया, क्योंकि आज हमारे गाँव में ज्यादा लड़के भी नहीं थे, तो एक ठीक ठाक सा बना दिया हम लोगों ने, नॉर्मल सा। नहीं तो अगर कोई होता तो यार, अभी तो ये बच्चे अच्छे हैं सब, इनके
अब इनके हिसाब से बनाया हम लोगों ने थोड़ा खाली टाइम पास। हमने कहा ना बनाने से तो अच्छा है बना लेते हैं। तो गुन्नू भाई लेके आ रहे हैं कथड़ के। चल निकल निकल, चल चलो 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 गुन्नू भाई। हाँ। कैसा लग रहा है, वजन कितना है इसका? भाई इसका वजन होगा कम से कम 20-25 किलो तक होगा गाइस। तो 20-25 किलो तो बहुत हो गया यार। हाँ, अभी तक मैंने पकड़ा था यार, ये बहुत भारी हो रखा था भाई। तो अभी गुन्नू भाई अगर ज्यादा भारी हो जाएगा तो बता देना। हाँ, पीछे आदमी बहुत है। हेलो भाई, दो तीन बड़े थे, कहाँ गए वो? बोलो बोलो, आगे भी बोलो कुछ। तो गाइस ले जा रहे थे हम कथर क्या, तो देख सकते हैं अब हम मतलब जा रहे हैं। रात हो चुकी है, कितना टाइम हो चुका है? अभी बजा है 7:30 बज गया होगा शायद। 7:30 बज गया होगा, हम पहुंच जाएंगे गाइस 9:30 तक पहुंच जाएंगे, जहां तक मतलब सभी के घर जाना होता है गाइस इसको ले जाके। वहां से एक एक ककड़ी मिलती है हमको, तो देख सकते हैं हम ले जा रहे हैं अभी। पीछे भी आ रहे हैं हमारे दादा लोग, तो देख सकते हैं पीछे से आ रहे हैं भाई अभी तो। हाँ तो गाइस अभी रात हो रखी है और मुन्नू भाई और हम लोग यहीं पर हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से गांव में, घुमाते हैं थोड़ी देर, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। तो अभी 7 बज रहे हैं करीब, 7:30 हो गए, 7:30-8 हो रहे हैं। तो उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को सीधा यहाँ पर, इसको जलाएंगे या घरों में जाएंगे। अभी यहाँ पर ककड़ी इकट्ठे करेंगे, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। तो भाई यहाँ पर चेंजिंग हो चुकी है फिर से। अभी हमारे अम्मू भाई ने पकड़ लिया है, अम्मू भाई ने उल्टा पकड़ लिया इसको, इसकी हार माला से पीछे रहेगी और अम्मू ने इसका मुंह पीछे कर लिया है। तो अभी चलो कोई बात नहीं, उल्टा अभी तो गांव में लेके जाना है, उसके बाद देखेंगे। अभी तो हम आपको डांस, अभी भाई यहाँ देखो गुन्नू भाई को यहाँ लगा दिया हमने, क्योंकि इसको थकान होगी थोड़ा। हाँ। कथर क्या भारी हो गया था ना। हाँ। तो कैसा फील हुआ गुन्नू भाई? अरे बहुत अच्छा फील हुआ हमको। मतलब कैसा वजन, मतलब कंधे में कोई दर्द? नहीं नहीं, दर्द वर्द तो कहीं नहीं हुआ गाइस। अरे देख बताओ बताओ, सोच सोच के बता दिया अभी भी ये? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ गाइस, दर्द वर्द तो नहीं। अब तुम्हारी बारी भी आएगी गुरु। आएगी आएगी सर। हेलो, इधर इधर, तुम्हारी भी बारी आने वाली है अभी पकड़ने की। इसके पकड़ोगे हाँ या नहीं? हाँ, बिल्कुल, कैमरे को देख के बोलो। हाँ पकड़ेंगे। हाँ बस ठीक है, पकड़ेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ बनाया हुआ अभी ये है फिलहाल टाइम पास। तो इसमें एक मददगार ये था थोड़ा सा, हाथ सुई में धागा डालने वाला बंदा ये है, और पिरोल भरने वाला ये है, और थोड़ा कट्टे फाड़ने वाला ये है, और ये टॉर्च बनाने वाला है। तो अभी एक दो आ रहे हैं इधर से, चार आ रहे हैं अभी, दो तीन आ रहे हैं। हम लोग ने थोड़ी सिलाई करी थी। तो गाइस जब सभी के घर जाते हैं तो हम मतलब गाय और चाहे कुछ भी मिलिए उनके मतलब ये बिच्छू घास होती है ना, उसे छूटते हैं मतलब। हाँ, उनकी मतलब हैं। किसको छूटते हैं? गाय और मतलब बकरी हकरियों को, सभी को। गाय भैंस जो भी हो, जो भी होगा, जो भी पालतू जानवर हो। चल ठीक, चाहे कुत्ता भी मार लेते हैं। शुरू कहाँ से करना है फिर? शुरू आगे से करेंगे गाइस, थोड़ा दूर है मतलब, अभी ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा, गांव के ऊपर से मतलब? हाँ, गांव के सेंटर से मतलब। सेंटर से, चलो ठीक है। हाँ जी, तुम्हारा कुछ कहना है? नहीं सर। नहीं सर। तो गाइस यहाँ से हमारे दानी कुंवर बिच्छू घास लेके आ गए हैं, और यहाँ पर संजू भाई, ए लगाना मत वे, देखिए तो संजू भाई बिच्छू घास लेके आए हैं। भाई कहाँ से, कहाँ से लेके? तो गाइस इसके लग गया है बिच्छू घास यहाँ पर। तो चलो कोई बात नहीं, अब ये गाय भैंसों के लगाने के लिए चाहिए, क्योंकि उनको लगाते हैं ना आज के दिन में। तो संजू भाई कितनी मेहनत लगी इसको काटने में? इसमें तो कई मेहनत गाइस, देख सकते हैं इसमें, देखिए ये छोटे छोटे ये निकले ना इसमें, देखो यही चुपते हैं गाइस, ये देखिए यही चुपते हैं गाइस इसमें। और इसको लेके मैं चल रहा हूँ गाइस। तो दानी जी तो चले इधर को, और संजू भाई की मेहनत लगी है बोले इसमें काटने को। तो देखते हैं अभी इनके पास, ओए कुत्ता बन जाए, ओए गाइस इसने बगचल में इसको संजू भाई को भी लगा दिया है, तो परेशान है भौजी साहब। गाइस इसको लगाकर पानी डाला तो और ही मजा आता है। गुन्नू भाई को लगा दिया बिच्छू घास, तो यार बहुत परेशान है इसको, बहुत ज्यादा लगा दिया। किसने लगाया ये? संजू ने है? लगा दिया। अरे यार तेरे को तो बहुत ज्यादा लगा दिया मेरे को। तो भाई गुन्नू भाई परेशान हो रखे हैं, इनको बहुत ही ज्यादा लगा रखा है यार। सभी को लगाया गाइस। अरे इन लोगों ने मजाक में ना गुन्नू भाई की हालत डाउन कर दी है। चलो कोई बात नहीं, बिच्छू घास लगा दिया इनको।
चलो चल के बाद ना चल निकल 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 क्या बाजू निकल कतर क्या बाजू निकल निकल कतर क्या बुबू निकल निकल अरे यार तो गाइस देखिए यहाँ गोट घुसने वाले हैं, यहाँ बुबू जी भी आ चुके हैं। तो गाय संजू भाई घुस चुके हैं गोट में, तो लगाने लग गए भाई। यहाँ देखिए भाई खतरनाक। तो भाई निकल चुके हैं संजू भाई अंदर से एक मुरम्मत करके। चलो तो गाय देखिए बुबू जी की ककड़ी, फर्स्ट ककड़ी बुबू जी की है। तो फर्स्ट ककड़ी हमारी बुबू जी की, घर सबसे ऊपर घर है बुबू जी का। तब चलो चलो गुरु कथड़ के लाओ, कथड़ के मजा आ रहा। तो अभी तो यहाँ पर अभी लोग है भी नहीं ज्यादा, तो फिर भी बहुत ज्यादा चल रहा है अभी, फिर भी फुल मजा लिया है। तो गाइस भगपति के मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, अब यहां पर हम लोग जलाएंगे अभी। तो गाइस मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, अब जलाएंगे और पकड़ियां खाते हैं अभी हम लोग। फाइनली गाइस तो यहां पर देखिए अभी मंदिर के पास पहुंच चुके हैं हम लोग। तो ककड़ी काटने वाला है ये दानू, संजय और हमारा जगदा और गुन्नू भाई। तो यहाँ पर अभी काटते हैं खाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर जलाएंगे कथड़किया को। और तो मैं बस मस्त करते हैं, खींच खींच होगी ककड़ी की यहाँ पर।
तो गाइस अब इनको खाएंगे। और इधर देखो आग जल, हमने कतर क्या जला दिया है, इधर साइड को देखो। तो यहाँ पर दानू भाई लगे हुए हैं आग जलाने में, देखो।